बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तलबा तलबात, कैसे हैं आप लोग। आज हम उर्दू बे का काम करेंगे। आज हमारा जो टर्न है वो उर्दू बे का है और उन्वान है इसम। आपको याद होगा कि किसी भी चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये तस्वीर आपके सामने है, इस पर गौर करें। इसमें आप ये देखें, एक लड़की है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, एक कुर्सी है, और यहाँ पर एक इमारत है। एक लड़की, एक इमारत, एक कुर्सी, और यहाँ पे एक बिल्ली। इसमें हर एक चीज़ का अपना नाम है। फ़र्ज करते हैं ये लड़की है और इसका नाम है आलिया, तो आलिया हमारा इसम है क्योंकि इसका नाम है आलिया। इस चीज़ का नाम है कुर्सी, कुर्सी हमारा इसम है। इस जानवर का नाम बिल्ली। अब जब भी बिल्ली का नाम लेंगे तो सबके जहन में इसी शेप की ही एक बिल्ली आएगी, तो इसका नाम है बिल्ली, बिल्ली इस्म है। ये इमारत है, इसको देख के किसी के जहन में स्कूल का आइडिया आएगा, किसी के दिमाग में लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसका नाम लाइब्रेरी भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है। जो नाम है वो हमारा इस्म कहलाता है। नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में से इस्म के गिर्द दायरा लगाएं। मसलन, अब पहली मिसाल आपके लिए हल कर दी गई। नंबर एक, अली ने किताब पढ़ी। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़, एक शख्स का नाम है अली और दूसरा चीज़ का नाम है किताब। यानी किसी भी शख्स का, चीज़ का, जगह का, जानवर का नाम इस्म कहलाता है, और इसमें दो इस्म है, अली और किताब, हमने दोनों को ही सर्कल कर दिया। अब आप देखें जुमला नंबर दो में, लाहौर एक खूबसूरत शहर है। अब देखिए इसमें इस्म कौन सा होगा, गौर करें, इसमें चीज़ या जगह या किसी शख्स का नाम शामिल है, है तो वो क्या है, उसको आपने बिल्कुल दायरा लगा देना। जैसे थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करती हूँ, लाहौर एक शहर का नाम है। आगे आप खुद देखें, और कोई इस्म तो नहीं मौजूद इसमें। जुमला नंबर तीन, फातिमा ने सुर्ख जूते पहने। फातिमा ने सुर्ख जूते पहने, इसमें देखें कौन कौन से इसमें और उन्हें सर्कल कर दें। जुमला नंबर चार, मुल्तान के आम मशहूर हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो है वो आइडिया देती हूँ। देखें शहर का नाम भी है और फल का नाम भी है, आप गौर करें कि किन चीज़ों का नाम है, उसको सर्कल कर दें। अगला जुमला है, चिड़िया दाना चुगती है। चिड़िया दाना चुगती है, इसमें गौर करें कि इस्म क्या है, जो चीज़ें इस्म है उसको सर्कल कर दें। ग्रामर पे ही आज आपका ग्रामर का जो दूसरा है टॉपिक वो है फेल। फेल, फेल का मतलब होता है किसी काम को करना, होना या सह ना पाया, जब वो फेल कहलाता है। फेल का मतलब है काम। हम एक जुमले की मिसाल देखते हैं। अब आप इस टाइम पे क्या कर रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो यानी आप जो है पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो पढ़ना आपका फेल है। इसी तरह से ये मिसाल देखें, अली अखबार पढ़ता है। अली हमारा इस्म है, अखबार भी इस्म है, और पढ़ना हमारा फेल है। काम उसका क्या है, पढ़ना, तो पढ़ता है, ये हमारा फेल है। नीचे कुछ जुमले दिए गए, इन जुमलों में फेल के गिर्द दायरा लगाएं। अब आपके सामने इस टाइम स्क्रीन में कुछ देखें, कुछ जुमले शामिल हैं और पहली मिसाल आपके लिए हल कर दी गई है। अहमद चावल खाता है, अहमद चावल खाता है, इस वक्त आप देखें वो क्या काम कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा है, तो खाता को हमने सर्कल कर दिया, ये हमारा फेल है। और अगर मैं आपसे कहूँ इसी में से इस्म ढूंढे, तो आप अहमद को और चावल को, ये दो दायरे लगेंगे, ये इस्म है अहमद भी और चावल भी। अगला जुमला देखें, इसमें आपने फेल को सर्कल करना है। आकिब ने दूध पिया। नंबर तीन, यासर तेज दौड़ता है। आप देखिए यासिर क्या कर रहा है, यासिर तेज दौड़ता है। नंबर चार, फायजा ऊंचा बोलती है। इसमें है फायजा, फायजा क्या कर रही है, जो काम वो कर रही है आप उसको सर्कल कर दें। अगला जुमला है, आलिया खत लिखती है। आलिया खत लिखती है, अब देखिए आलिया क्या कर रही है, जो काम कर रही है वो उसका फेल है, ये आप उसको सर्कल कर लें। और आपकी असाइनमेंट 5 मार्क्स की ये है
कि आपने नीचे तमाम फेल लाइन से लिखने हैं ताकि आपको याद हो। याद रखिएगा खाना पीना दौड़ना चलना खेलना कूदना खोलना बंद करना सोना जागना, ये सारे फेल हैं। अगला अनुमान है फाल। हमने पढ़ा है कि फेल का मतलब है काम, कोई भी काम, काम करने वाले को फाल कहते हैं। जो काम कर रहा है वो हमारा फाल है। हम एक जुमले की मिसाल देते हैं। अहमद ने कलम से लिखा, अहमद ने कलम से लिखा। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, अभी आपको बताया है कि लिखना हमारा यहाँ पे नहीं लिखा, ये हमारा फेल है, काम है लिखा। अब ये देखें कि लिखा किसने, लिखा है किसने, अहमद ने, अहमद ने लिखा ना, अहमद ने कलम से लिखा है। तो अहमद क्या है हमारा इस वक्त, ये हमारा फाल है क्योंकि अहमद ने काम किया है, तो अहमद हमारा फाल है। नीचे कुछ जुमले दिए हुए, अब आप इसमें से देखें कि आपका इन जुमलों में फाल कौन से हैं। नंबर एक, सानिया ने खाना पकाया, इसमें सानिया हमारा काम करने वाली सानिया, तो सानिया को हमने इस टाइमिंग से सर्कल कर दिया। आलिया ने कहानी पढ़ी, अम्मी ने अली को पढ़ाया, दादी ने हामिद को कहानी सुनाई, अली ने तस्वीर बनाई, अली ने तस्वीर बनाई। अगला हमारा मफूल है, उनवान का नाम है मफूल। काम करने वाला फाल होता है और जिसपे काम होता है उसे मफूल कहते हैं। देखिए काम फेल है, काम करने वाला फाल है, और जिस पर काम होता है उसे मफूल कहते हैं। तीन चीजें आ गई आपके पास जी, बिल्कुल बताएं। पहला फाल, काम करने वाला, दूसरा फेल काम, और तीसरा मफूल जिस पर काम हुआ। अब उसकी मिसाल आप देखिए, अली ने दूध पिया, अली ने दूध पिया। अब देखिए अली क्या है हमारा, अली ने काम किया तो अली इज अ फाल, अली हमारा फाल है। पिया हमारा फेल है। अब किस चीज पे काम हुआ, क्या चीज पी गई, वो था दूध, दूध हमारा मफूल है, दूध हमारा मफूल है। आगे जुमले देखें, आपके सामने स्क्रीन पर जुमले हैं। नंबर एक, हामिद फुटबॉल खेल रहा है, हामिद हमारा जी फाल है, फुटबॉल हमारा मफूल है, और खेल हमारा फेल है। इसमें आप देखिए कि आपके पास इस वक्त जो मफूल है वो यहाँ पे जुमला नंबर दो, आबिद ने बल्ला घुमाया, बल्ला आपका मफूल है। अबू गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी हमारा मफूल है। माहीन बच्चों को पढ़ा रही है, तो इसमें आप देखें बच्चों, बच्चे जो हैं वो हमारा मफूल है। अम्मी ने टेलीफोन खरीदा, टेलीफोन हमारा मफूल है। चले अब थोड़ा सा हम इस मशक को डिफरेंट करते हैं। इस मशक में हम देखते हैं हमारे फेल कौन से हैं, मफूल कौन से हैं, और फाल कौन से हैं। तो पहले जुमले को, जैसे मैंने पहले बताया, हामिद आपका मफूल सॉरी फाल है, फुटबॉल आपका मफूल है, और खेल आपका फेल है। आबिद आपका फाल है, बल्ला आपका मफूल है, और घुमाया आपका फेल है। अब्बू जी, अब्बू हमारे फाल हैं, गाड़ी मफूल है, और चलाना हमारा फेल है। माफीन, माहीन हमारी जी फाल है, बच्चों मफूल है, पढ़ा रही ये हमारा फेल है। अम्मी फाल है, टेलीफोन मफूल है, और खरीदा हमारा फेल है। इसके साथ ही आज आपकी ग्रामर का सबक ख़त्म हुआ। अब आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो आपने करके व्हाट्सएप कर देनी है। अल्लाह हाफिज़।